सोलर रेडिएशन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट तो दो तरह के सोलर रेडिएशन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो पायरोनोमीटर होता है, एक पायरोहेलोमीटर होता है। पायरोहेलोमीटर होता है वो बीम रेडिएशन मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, और पायरोनोमीटर होता है वो ग्लोबल और बीम रेडिएशन मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सिस्टमेटिक डायग्राम है, पायरोहेलोमीटर का डायग्राम है दिखाया गया है। तो पायरोहेलोमीटर डायग्राम में क्या होता है, ये यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे सोलर रेडिएशन आती है तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, 5 डिग्री है यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको सेट किया जाता है, एक्सेप्टेंस एंगल है जो 5 डिग्री हो। और फिर यहाँ पर ये टू प्लेकेंड इनसाइड है और अलाइनमेंट इंडिकेटर है, अलाइनमेंट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हम इसका एंगल मेजरमेंट करते हैं। थर्मोकपल टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए किया जाता है, और ब्लैक एब्जर्वर प्लेट है जो कि सोलर रेडिएशन को एब्जर्व करती है, और इंसुलेटर है जो एब्जर्व करने के बाद में यहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम भी देखा है। ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि सूर्य अगर इधर उधर जाएगा, यानी सूर्य की डायरेक्शन इधर उधर होगी तो ये ट्रैक कर लेगा उसके अकॉर्डिंग। तो टेम्परेचर कंपनसेशन और इलेक्ट्रिक रीड आउट है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक रीड आउट यानी यहाँ पर हम रीडिंग है वो ले लेते हैं कि कितनी रेडिएशन हमारे पास में आ रही है, और टेम्परेचर कंपनसेशन के थ्रू हम टेम्परेचर को कम यहाँ पर कंपनसेट करते हैं, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो यहाँ पर ये डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर कंपनसेट भी हमें लगाना जरूरी होता है। तो ये सिस्टमेटिक डायग्राम है पायरोहेलोमीटर का बीम रेडिएशन मेजरमेंट करने के लिए, और ये इसका फोटोग्राफ है। पायरोहेलोमीटर इस तरीके से होता है, इसके द्वारा हम बीम रेडिएशन को मेजरमेंट करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं पायरोहेलोमीटर, पायरोहेलोमीटर क्या है, इट यूज कॉलिमेटेड डिटेक्टर फॉर मेजरिंग द डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। कॉलिमेटेड डिटेक्टर का यहाँ पर यूज किया जाता है, इट यूज कॉलिमेटेड डिटेक्टर फॉर मेजरिंग द डायरेक्ट सोलर रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्काई अराउंड द सन एंड सनलाइट इंटर द इंस्ट्रूमेंट थ्रोज द विंडो एंड इट इज डायरेक्टेड ऑन टू द थर्मोपाइल। तो ये थर्मोपाइल लगा होता है, इस पर ये डायरेक्टली क्या करती है, ये सोलर रेडिएशन जाती है विच कन्वर्ट हीट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो थर्मोपाइल क्या करेगा, हीट जो सिग्नल है यानी जो सोलर रेडिएशन की हीट है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। इट नीडेड टू एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम टू ट्रैक द सन कंटिन्यूअसली। तो सन को ट्रैक करने के लिए टू एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम की यहाँ पर जरूरत होती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीनोमीटर भी इसे हम कह सकते हैं। फिर होता है पायरोनोमीटर, पायरोनोमीटर की जो सिस्टमेटिक कंस्ट्रक्शन है वो हम देख लेते हैं कि पायरोनोमीटर की सिस्टमेटिक कंस्ट्रक्शन किस तरीके की है। तो ये पायरोनोमीटर है, तो पायरोनोमीटर में क्या है, आउटर ग्लास डोम है, आउटर ग्लास डोम, ये इनर ग्लास डोम है, यहाँ पर सोलर सोलर रेडिएशन है, डिटेक्टर इस डिटेक्टर पर सोलर रेडिएशन पड़ती है, डायरेक्ट और डिफ्यूज दोनों रेडिएशन को मेजरमेंट कर सकता है। सन के द्वारा शील्ड की हुई है, डिस्टेंट है, और यहाँ पर फिक्स्ड फुट है यानी कि सपोर्टिंग के लिए लगाया गया है, एडजस्टेबल फिट है। एडजस्टेबल फिट का मतलब क्या है कि इसकी मेजरमेंट करने के लिए यानी कि इसके एंगल को ट्रैक करने के लिए हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर कनेक्टर लगाए गए हैं, कनेक्टिंग लीड के द्वारा जब भी मेजरमेंट किया जाता है कनेक्टर के थ्रू। बबल लेवल है, ये क्या है, सपोर्टिंग के लिए लगाए गए हैं यानी कि जो टेम्परेचर है कम ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट है प्रोवाइड कराई है। तो इसमें क्या है कि इसके जो काम है हम देख लेते हैं किस किस चीज का क्या क्या काम है। ये इसका सिस्टमेटिक फोटोग्राफ है यानी इस तरीके का होता है। अब इसमें मेजरमेंट किसे किया जाएगा, इट मेजर हेलिस्फेरिकल सोलर रेडिएशन थ्रॉज ग्लोबल एंड डिफ्यूज रेडिएशन, दोनों को ये मेजर करता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ग्लोबल रेडिएशन, डिफ्यूज रेडिएशन। ग्लोबल रेडिएशन क्या होती है, डिफ्यूज रेडिएशन प्लस बीम रेडिएशन दोनों का जो समीशन होता है उसे कहते हैं ग्लोबल रेडिएशन। तो दोनों का ये मेजर करता है। डिफ्यूज रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाई कन्वर्टिंग द सेंसर बाई विथ शेडिंग रिंग। तो डिफ्यूज रेडिएशन को किसके द्वारा मेजर किया जाता है, कवरिंग द सेंसर विथ शेडिंग रिंग, और सेंसिंग एलिमेंट क्या है, यहाँ पर थर्मोपाइल है, सेंसिंग एलिमेंट यूज किया जाता है। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड जंक्शन इज फंक्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन एंड फॉलिंग ऑन द सरफेस। तो सरफेस पर जो हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसी के द्वारा हम सोलर की रेडिएशन का मेजरमेंट करते हैं। द सेंसर इज कवर्ड विथ टू कंसेंट्रेटिंग हेमिस्फीयर ग्लास डोम टू शील्ड इट फ्रॉम विंड एंड रेन एंड ऑल्सो रिड्यूस द कन्वेंशन हीट लॉसेज। तो ये जो यहाँ पर डोम लगाए गए हैं, तो ग्लास लगाए गए हैं, तो ये किस काम लगाए गए हैं, ये इनर डोम है और ये आउटर डोम है, ये विंड से प्रोटेक्शन करने के लिए या फिर रेन से प्रोटेक्शन करने के लिए, वर्षा से प्रोटेक्शन करने के लिए और हीट लॉसेज को कम करने के लिए ये लगाए गए हैं। और यहाँ पर शेडिंग रिंग है, शेडिंग रिंग टू ब्लॉक द बीम रेडिएशन, मेजर द डिफ्यूज रेडिएशन।
बीम रेडिएशन को शेडिंग रिंग में ब्लॉक करती है और डिफ्यूज रेडिएशन को मेजर करती है। पायरोहेलोमीटर आर अवेलेबल बेस्ड ऑन दी सोलर फोटोवोल्टिक सेल। जो पायरोनोमीटर है वो सोलर फोटोवोल्टिक सेल है उसके अकॉर्डिंग मेजर किए जाते हैं। टाइपिकली सीलियम, कैडमियम और सल्फाइड और सेलेनियम सोलर सेल आर यूज्ड। तो ये सोलर सेल हम यूज करते हैं, जैसे कि कैडमियम का सोलर सेल बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, सल्फाइड का बना होता है और सेलेनियम का भी सोलर सेल बना होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोलर मीटर भी इसे हम कह सकते हैं, यानी इसका दूसरा नाम है वो सोलर मीटर है। फिर एक होता है सनशाइन रिकॉर्डर। सनशाइन रिकॉर्डर यूज टू मेजर ड्यूरेशन ऑफ द सनशाइन हावर इन द डे, यानी डे के अंदर सनशाइन हावर कितने आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए सनशाइन रिकॉर्डर लगा जाता है। इट कंसिस्ट ग्लास बाउल, तो ये सनशाइन रिकॉर्डर का डायग्राम है। ये कार्ड से मेजरमेंट के जो कार्ड है कितने हावर तक सन रे रही है, तो इट कंसिस्ट ग्लास बाउल माउंटेड ऑन द स्फेरिकल वॉल एंड रिकॉर्डेड द स्फेरिकल बर्न। द स्फेरिकल बर्न ए ट्रेस ऑन द कार्ड विच एक्सपोज टू द सन। द लेंथ ऑफ द ट्रेस बीइंग ए डायरेक्ट मेजर ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द ब्राइट साइन। द कार्ड मे बी लॉन्ग कर्व्ड फॉर समर, तो ये कार्ड है लॉन्ग हो सकता है समर के लिए, एंड शॉर्ट कर्व फॉर विंटर, तो विंटर के लिए शॉर्ट कर्व हो सकता है और समर के लिए लॉन्ग कर्व हो सकता है। स्टेट कार्ड फॉर इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स के लिए ये स्टेट कार्ड है हमारे पास में आएगा। तो इस तरीके से कार्ड है ऊपर शो किया जाएगा, कार्ड फॉर मेजरमेंट। फिर सोलर रेडिएशन एस्टिमेशन, सोलर रेडिएशन का एस्टिमेशन कैसे किया जाएगा। बीम रेडिएशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस कैन बी मेजर्ड बाई आई एन इक्वल टू आई एक्सटर्नल आई ई एक्स टी की पावर माइनस टी आर डिवाइड बाई 0.9 + 0.9.4 साइन अल्फा। तो आई बी की वैल्यू है यहाँ पर, जो आई बी की वैल्यू क्या होगी, आई एन कॉस थीटा जेड। तो आई ई एक्स टी एक्सट्राटेरेस्ट्रियल रेडिएशन है और टी आर है टर्बिडिटी फैक्टर है। तो टर्बिडिटी फैक्टर फॉर डिफरेंट लोकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हम लेते हैं, सिटीज के अकॉर्डिंग अलग अलग लेते हैं। द एटेन्यूएशन ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रोज द रियल एटमोस्फियर वर्सेज द दैट इट थ्रोज ए क्लीन ड्राई एटमोस्फियर। तो जो एटेन्यूएशन होता है सोलर रेडिएशन का, द एटेन्यूएशन ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रोज द रियल एटमोस्फियर वर्सेज द थ्रोज द क्लीन ड्राई एटमोस्फियर गिवन बाई इंडिकेशन ऑफ एटमोस्फियर टर्बिडिटी। एटमोस्फियर की टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी होता है कि सोलर रेडिएशन एक तो क्लीन एटमोस्फेयर में लेते हैं हम और एक रियल एटमोस्फेयर में लेते हैं, दोनों का रेशो होता है वो होते हैं टर्बिडिटी फैक्टर। तो टर्बिडिटी फैक्टर डिफरेंट लोकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे कि मंथ है अलग अलग, माउंटेन में टर्बिडिटी फैक्टर होता है 1.8 1.9, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में ये बढ़ता जाता है माउंटेन के अंदर, तो 2.5 तक बढ़ेगा, फिर 2.1 1.9 1.8, फिर फ्लैट लैंड के लिए टर्बिडिटी फैक्टर 2.2 से ये बढ़ता जाएगा, 2.2 से बढ़ता जाएगा, और सिटीज के लिए 3.1 3.2 3.5 इस तरीके से होता है। तो टर्बिडिटी फैक्टर है सिटीज में सबसे ज्यादा होता है, फ्लैट लैंड में कम होता है, माउंटेन में और कम होता है। और फॉर क्लाउडी कंडीशन के लिए टर्बिडिटी फैक्टर है, क्लाउडी कंडीशन के लिए हम क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। सोलर रेडिएशन एस्टिमेशन में डिफ्यूज रेडिएशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस कैन बी एस्टिमेटेड बाय, तो डिफ्यूज रेडिएशन कैसे निकालेंगे, आई डी इक्वल टू 1/3 आई एक्सटर्नल माइनस के आई एन कॉस थीटा जेड, इससे डिफ्यूज रेडिएशन निकालेंगे। तो टोटल रेडिएशन गिवन बाय आई वी आर बी यानी कि बीम रेडिएशन प्लस आई डी आर डी डिफ्यूज रेडिएशन प्लस के रो आर आर आई वी प्लस आर डी। तो यहां पर क्या है, आर क्या है, आर है ज्योमेट्रिक और टिल्ट फैक्टर है, आर यहाँ पर ये है, आर आर ये ज्योमेट्रिक और टिल्ट फैक्टर है, एंड इट इज डिफाइंड बाय द रेशियो बिटवीन द रेडिएशन इंक्लाइंड ऑन द इंसिडेंट सरफेस टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो वो कहलाता है हमारा आर आर यानी टिल्ट फैक्टर, और रो है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द ग्राउंड। इट इज कंसिडर्ड एज 0.24 नॉर्मल ग्राउंड सर्फेस एंड 0.64 स्नो कवर्ड ग्राउंड। स्नो कवर्ड ग्राउंड में 0.6 लेते हैं इसको रो को, और 0.2 है नॉर्मल ग्राउंड सर्फेस में लेते हैं। आर है रिफ्लेक्टेड रेज, ये आर जो है रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रेज कम्स मेनली फ्रॉम ग्राउंड एंड द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट से, ये रिफ्लेक्टेड रे है आर आती है। फिर है टिल्ट फैक्टर फॉर बीम रेडिएशन, बीम रेडिएशन के लिए टिल्ट फैक्टर कैसे दी जाएंगे, आर बी इक्वल टू आई बी डैश डिवाइड बाई आई वी यानी आई एन कॉस थीटा आई डिवाइड बाई आई एन कॉस थीटा जेड। तो टिल्ट फैक्टर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन डिपेंड ऑन द डिफ्यूज रेडिएशन फॉलिंग ऑन द इंक्लाइंड सरफेस बेस्ड ऑन द रेडिएशन व्यू पॉइंट। फॉलोइंग करेक्शन फैक्शन करेक्शन इज कंसिडर टू बी कैलकुलेटेड आर डी एंड आर आर। तो आर डी की वैल्यू आ जाएगी 1 + cos β। तो ये क्या है, करेक्शन करते हैं हम बेस्ड ऑन द रेडिएशन व्यू पॉइंट या व्यू फैक्टर, द करेक्शन इज कंसिडर्ड कैलकुलेटेड
आर डी, और आर डी की वैल्यू 1 प्लस कॉस बीटा बाई टू, आर आर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस बीटा बाई टू। तो रेशियो ऑफ द सोलर एनर्जी इंसिडेंट टू द सरफेस, टू दी हॉरिजॉन्टल सरफेस इज गिवन बाई आर डैश की वैल्यू कैसे देंगे हम, आर डैश की वैल्यू देते हैं आई टी डिवाइड बाई आई वी प्लस आई डी, तो आई वी आर वी प्लस आई डी आर डी प्लस आई वी प्लस आई डी, तो ये रूप ई आर के अकॉर्डिंग हम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सोलर का एनर्जी का, सोलर रेडिएशन का एस्टिमेशन किया जाता है। एस्टिमेशन ऑफ मंथली एवरेज डेली रेडिएशन इज इम्पोर्टेंट डिजाइनिंग फॉर द सोलर सिस्टम, यानी कि मंथली एवरेज कितनी रेडिएशन आ रही है सोलर सिस्टम डिजाइन करने के लिए हमें जरूरी है पता करना। द रेशियो ऑफ मंथली एवरेज डेली ड्यूरेशन इज क्लियर स्काई रेडिएशन फॉर द गिवन लोकेशन इज गिवन बाई एस्ट्रॉन करेक्शन के द्वारा दी जाती है, यानी एस्ट्रॉन कोरिलेशन होता है उसके द्वारा दी जाती है। एच बार डिवाइड बाई एच ई बार इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश एन बार डिवाइड बाई एन, तो ये हावरली रेडिएशन है वो आई है, डेली रेडिएशन है वो एच है, मंथली एवरेज रेडिएशन है वो एच बार है। सी यहां पर क्या है, क्लियर स्काई है। ए और बी क्या है, एप्रिकल कॉन्स्टेंट डिपेंड ऑन दी लोकेशन, तो ये लोकेशन पर डिपेंड करेंगे ए बी। एन बार है मंथली एवरेज डेली हावर ऑफ ब्राइट सनशाइन, एन बार है यहां पर, एन बार है मंथली हावर मैक्सिमम पॉसिबल डे हावर ऑफ ब्राइट सनशाइन डे लेंथ ऑफ द एवरेज डे ऑफ मंथ, एंड मंथ एवरेज डेली रेडिएशन इज बेस्ड ऑन दी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पर डिपेंड होगा, तो वो हो जाएगा एच बार डिवाइड बाई एच नॉट एंड इक्वल टू ए प्लस बी एन बार डिवाइड बाई एन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मंथली एवरेज क्लियरनेस इंडेक्स भी हम इसके कह सकते हैं, मंथली एवरेज क्लियरनेस इंडेक्स। एस्टिमेशन ऑफ क्लियर स्काई और सोलर रेडिएशन, क्लियर स्काई सोलर रेडिएशन का एस्टिमेशन कैसे किया जाएगा। सोलर रेडिएशन वेरीज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एटमोस्फेयर स्कैटरिंग एंड ऑब्जर्विंग एंड द क्लियर स्काई सोलर रेडिएशन मे बी कैलकुलेटेड यूजिंग एटमोस्फेयर ट्रांसमिटेंस एंड इट इज गिवन बाई आई सी एन वी है इक्वल टू क्या होगा आई ई एक्स टी टो वी। तो यहाँ पर क्लियर स्काई सोलर बीम रेडिएशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज गिवन बाई आई सी वी की वैल्यू कैसे देंगे आई ई एक्स टी टो वी कॉस थीटा जेड। तो वे टो वी है ये एटमोस्फेयर ट्रांसमिटेंस फॉर बीम रेडिएशन, इट इज रिटन बाई टो वी है ए आउटपुट प्लस ए आई एक्सपोनेंशियल माइनस के डिवाइड बाई कॉस थीटा जेड है। यहाँ पर ए नॉट ए वन और के है कॉन्स्टेंट है फॉर दी स्टैंडर्ड एटमोस्फेयर विथ 23 किलोमीटर विजिबिलिटी। तो इसके अकॉर्डिंग है हम ये सोलर रेडिएशन है, स्काई सोलर रेडिएशन है वो मेजरमेंट करते हैं।